और हेडलाइंस के बाद अब रुक करेंगे खबरों का। पांच बार का विधायक माफिया गिरी से लेकर हत्याकांड में शामिल रहा एक डॉन मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन हार्ट अटैक से मौत से पहले एक डॉन के डर की कहानी भी आपको जाननी चाहिए। कभी दहशत का दूसरा नाम रहा मुख्तार, खुद इतना डर जाएगा उसे भी अंदाजा नहीं रहा होगा। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए डॉन की मौत से पहले दहशत के वो पल। जब कभी डॉन था अब लाचार मुख्तार। मुख्तार की मौत, 36 साल का आतंक खत्म। ये चंद तस्वीरें बता रही हैं कि पूर्वांचल का डॉन और 36 साल से आतंक के तौर पर पहचान बनाने वाला मुख्तार अंसारी कैसे कभी डॉन बनकर दहशत की तस्वीर बन गया था। लेकिन आखिर में ये कुछ तस्वीरें उसके डर, लाचारगी और सहमे हुए इंसान की दिखती हैं। मुख्तार अंसारी, वो डॉन जो कभी कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में भी खुली जीप में दबंगई दिखाता था, तो कभी अपने दुश्मन को धमकाने के लिए हर तरह के हथियार का इस्तेमाल करता था। लेकिन 36 साल के आतंक के खात्मे से पहले उसने अपने परिवार से जो अपना दर्द बयां किया, वो बताता है कि डॉन कितना डरा हुआ है। एक ऐसे लाचार, थके हुए डॉन की आवाज थी जिसे पल पल अपनी मौत का डर खाए जा रहा था। अब आप सुनिए कैसे वो अपने परिवार वालों से हारी हुई आवाज में बात करता है और उसका बेटा उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता है। 18 तारीख से बात से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, मैं एक वक्त की जमात हूँ। जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जो आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा भी यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं। यहाँ डाली बाग वाली को अदालत में हैं हम, यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर कसा बसर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपके, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज़ सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा रख कभी रखे होगा तो रूह रहेगी। और कभी डॉन खुद मूछों पर ताव देता था, हथियार लेकर कर्फ्यू के दौरान भी खुली जीप से चलता था, लेकिन आज उसका जनाजा उसके घर के सामने रखा हुआ है। उसका बेटा उसकी मूछों पर ताव दे रहा है। यही डॉन 2005 में हुए मऊ दंगों का आरोपी रहा और कृष्णानंद राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी। अब आपको मिलवाते हैं उस पुलिस अधिकारी से जिसने 2004 में मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाया था, लेकिन मुख्तार की दबंगई के चलते इस अधिकारी को पोटा कानून के तहत कार्रवाई से भी पीछे हटना पड़ा था। जो हम लोगों ने अच्छा कार्य किया था वो बैड वर्क में हो गया। पोटा कानून एग्जिस्ट करता था वो लगाया था। मुलायम सिंह नाराज हो गए, उन लोगों ने कहा कि इस कानून को हटाओ, ये पोटा नहीं लगेगा। वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, जो भी चाहे कर सकते थे, लेकिन खामियाजा हमने और हमारी टीम को भोगना पड़ा। अंत में पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैंने अपने ऊपर मैंने त्यागपत्र दे दिया इस घटना रिकवरी के 15 दिन बाद। मुख्तार अंसारी के अपराध की कुंडली ऐसी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अपराध की आड़ में उसने अकूत दौलत कमाई। मुख्तार अंसारी गैंग के नाम पर करीब 155 FIR दर्ज हैं। उसका खौफ ऐसा था कि बगैर उसकी मर्जी के पूर्वांचल में कोई भी ठेका या व्यवसाय कोई दूसरा नहीं कर सकता था। मुख्तार अंसारी और उसका गिरोह ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, कोयला कारोबार, रेलवे का ठेका और मछली का अवैध कारोबार चलाता था। मुख्तार के नाम कई बेनामी संपत्तियां थीं। आज भी मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। जैसे जैसे मुख्तार गैंग के सदस्य गिरफ्तार हो रहे हैं, अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हो रहा है।
पूर्वांचल में अपराध का पर्याय रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अब मिट्टी में दफन हो चुका है। पत्नी फरार है, बेटा जेल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर का